गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रिकैप एक्सरसाइज ऑफ सेवेंथ चैप्टर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने फाइव सम्स कंप्लीट कर लिए थे रिकैप एक्सरसाइज के। आज हम सिक्स्थ सम से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आर स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रुपीस यूजिंग डेसिमल्स। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि डेसिमल का चैप्टर कर रहे हैं हम, तो आपने इस सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना है, रुपीस में कन्वर्ट करना है। जो भी पार्ट्स आपको गिवन है उनको रुपीस में कन्वर्ट करना है डेसिमल का यूज़ करते हुए। अब देखिए, अगर हम ए पार्ट की बात करते हैं तो ए पार्ट में हमें 40 पैसे गिवन है। स्टूडेंट्स, आपको 40 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है। अगर इसको बिल्कुल डायरेक्टली करना चाहे, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे स्टूडेंट्स, तो क्या करते थे, अगर पैसे से रुपीस में जाना होता था तो 100 से सीधा डिवाइड कर देते थे। बट यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का मेथड देखिए आप, हमने नोटबुक में कैसे राइट करना है। देखिए, आपको पता है स्टूडेंट्स कि 100 पैसे में कितने रुपीस होते हैं, 1 रुपी होते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। ओके, अब अगर हमें 1 पैसे की बात करनी हो, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम प्लूरल यूज़ कर रहे होते हैं तो हम पैसे लिखते हैं, जब हम 1 पैसे की बात कर रहे हैं तो हम पैसा लिखते हैं, PAISA, जब हम 1 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हम पैसे लिखते हैं, ई लगा देते हैं यहाँ पर। अब देखिए, 1 पैसा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/100 रुपीज़। ये चीज़ें छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं हम। अब देखिए, 1 पैसा किसके इक्वल, 1/1000 रुपीज़ के इक्वल। हमें किस में बताना है, 40 पैसे में रुपीज़ बताने हैं, तो हम क्या राइट करेंगे, 40 पैसे इज इक्वल टू 40/100 रुपीज़। इट मीन्स डायरेक्टली आपने करना तो क्या था, 40 को 100 से डिवाइड ही करना था, जो मैंने ये 2 स्टेप्स के बाद किया है। ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप 6th क्लास में हो गए हैं, आपको अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा सॉल्यूशन को। ओके, अब देखिए, इसमें हमें डेसिमल लगाना है, 2 ज़ीरो हैं यहाँ पर, इधर से 2 डिजिट हम छोड़ेंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं दिख रही ना, यहाँ पर 1 ज़ीरो लगा लेते हैं हम, 1 2, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट, इट मीन्स ये बन जाएगा 0.40 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने करना है, और भी पार्ट्स आएंगे इसमें। देखिए, दोबारा देखिए, 100 पैसे 1 रुपी के इक्वल होता है। आपको पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं, तो 40 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 40/100। जब हम पॉइंट लगाते हैं तो क्या करते हैं, जितनी जीरोज़ हैं राइट साइड से उतने ही डिजिट छोड़ के, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, ताकि पॉइंट अच्छे से शो हो, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लगा दी है। ओके, और ये रूल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था बच्चों, तो आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कंक्लूजन के रूप में, कि जब आपको पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप किससे डिवाइड कर दोगे, आप 100 से डिवाइड कर दोगे स्टूडेंट्स, जैसे हमने 40 को 100 से डिवाइड किया। सिमिलरली आपने बी पार्ट करना है एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे, 100 पैसे 1 रुपी के इक्वल, 1 पैसा 1/100 रुपीज़ के इक्वल, ये बिल्कुल सेम है। अब 88 पैसे बताने हैं ना, तो 88/100 रुपीज़ हो जाएंगे, क्लियर। नाउ फिर से हमें पॉइंट लगाना है, तो 2 डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ पर पॉइंट आएगा, 0 अगर लगाते हैं तो 0.88 बन जाएगा बच्चों ये, 1 2, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, 0.88 रुपीज़। आपने नोटबुक में इसी तरीके से राइट करना है बच्चों। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ईजी है, सिर्फ आपने 100 से डिवाइड करना है और 2 डिजिट छोड़कर राइट साइड से पॉइंट लगा देना है। सिमिलरली हम सी पार्ट करते हैं इसका। देखिए, सी पार्ट में 9 पैसे को आपने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब ये 2 चीज़ें तो सेम रहेंगी, 100 पैसे में 1 रुपी होते हैं, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। अब आपने 9 पैसे में बताना है ना,
नाइन पैसे किसके इक्वल हो जाएंगे, 9 डिवाइडेड बाई 100 रुपीस। अब देखिए इसमें आप पॉइंट कैसे लगाएंगे बच्चों, इसमें पॉइंट लगाने का आपने देखिए मेथड तो सिर्फ एक ही होता है हमारे पास, क्या होता है जैसे आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 100 है, आपने ऊपर वाले इट मीन्स न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़नी है। अब यहाँ पर तो एक ही डिजिट है और कोई डिजिट है ही नहीं, इसलिए आप यहाँ पर ज़ीरोज लगा लीजिए जितनी आपको नीड है। अब 2 डिजिट्स छोड़नी है ना, 1 2, 2 डिजिट छोड़ दीजिए और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा 0.09। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, 0.09 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने क्या किया है, 9 को 100 से डिवाइड किया है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से आपने अपना सम करना है। यहाँ पर ज़ीरोज आप शो भी कर सकते हैं और नहीं भी शो कर सकते। ओके, कोई ज़्यादा कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पर ज़ीरो शो करने है, बट यहाँ पर ज़ीरो शो करने पड़ेंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी पार्ट, इसमें थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में गिवन है, 3 रुपीज़ एंड 5 पैसे। अब देखिए 3 तो रुपीज़ गिवन है और 5 पैसे, देखिए ये तो पहले से ही रुपीज़ में बना हुआ है 3 रुपीज़, उसके बाद 5 पैसे को हमने सिर्फ कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, फिर दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, 3 रुपीज़ एंड 5 पैसे, 3 रुपीज़ को इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं, एंड इट मीन्स ऐड ही कर देते हैं, इसमें 3 रुपीज़ हैं और 5 पैसे हैं, इट मीन्स ऐड हो रहे हैं ये 3 रुपीज़ प्लस 5 पैसे, इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। अब आप 3 रुपीज़ में तो चेंज नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि ये पहले से ही रुपीज़ में है और हमें कन्वर्ट भी तो रुपीज़ में ही करना है ना पूरे को। अब 5 पैसे को आप रुपीज़ में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 100 से आप डिवाइड कर देंगे इसको, 5 बाई 100 रुपीज़ बन जाएगा ये। ओके, तो इट मीन्स ये 3 रुपीज़ तो सेम ही रहेगा, प्लस 5 बाई 100 का क्या बन जाएगा, 0.05 रुपीज़, जैसे हमने सी पार्ट में किया है बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से। सी पार्ट में 9 बाई 100 किया था ना, 0.09 आया था, यहाँ पर 5 बाई 100 किया था, 0.05 आ गया, इट मीन्स 1 2, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया है आपने। अब देखिए 3 रुपीज़ तो ये रहे और 0.05 ये रहे, अब इनको कैसे आप ऐड करेंगे, 3 रुपीज़ हैं और 0.05 है, देखिए 3 में पॉइंट नहीं है ना, तो आप 0.00 लगा लीजिए। जब हम ऑपरेशंस के क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस और माइनस के, तब भी आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें लगाना पड़ेगा जब हम ऐड कर रहे होंगे, तो इसमें 0.00 आप लगा सकते हैं। अब जब इसको ऐड करेंगे तो 0 में 5 ऐड करोगे, 5 0.3, ध्यान रखना जब भी हम ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, और जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें हम कैसे लगाते हैं, राइट साइड में 0.00 करके लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, 3.05। देखिए बच्चों अभी तो मैं थोड़ा सा डीपली बता रही हूँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको डायरेक्ट आंसर पता लगने लग जाएगा, 3 के बाद सीधा आप 0.05 राइट कर देंगे, 3.05 रुपीज़, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, 3.05 रुपीज़, 3 रुपीज़ में आपने 0.05 रुपीज़ को ऐड कर दिया। ओके, नाउ लेट्स कम टू आर नेक्स्ट सम, सम नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपने ये जो भी पार्ट्स गिवन है स्टूडेंट्स, इनको डेसिमल में शो करना है। अब देखिए 4 प्लस 3 बाई 10 है, तो आप इसको पहले तो एज इट इज़ राइट करेंगे, उसके बाद बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, 4 प्लस, आप पहले इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.3 हो जाएगा ये, क्योंकि हमने क्या किया, 1 0 थी ना, तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना था, इट मीन्स यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं दिख रही थी इसलिए 0 लगा लेते हैं,
एक डिजिट छोड़ी और पॉइंट यहाँ पर, इट मीन्स 0.3। अब अगर इसको डायरेक्ट लिखें तो क्या बन जाएगा, 4.03, जैसे हमने यहाँ पर किया 3.05। जब यहाँ पर पॉइंट के पहले ज़ीरो है ना, तो 3 के बाद सीधा ये पॉइंट के बाद वाला आ जाता है, इट मीन्स 4 के बाद सीधा 0.3 आ जाएगा, सॉरी ये आएगा आपका 4.3। ओके स्टूडेंट्स, 4 में आपने 0.3 को ऐड किया, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 4 था, 4 में पॉइंट नहीं है, तो आपने क्या किया, 4.0 लिखा इसको। अब 0.3 इसमें ऐड करना है, 0.3 जब आप ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, 4.3 आ जाएगा बच्चों आपका। तो इस तरीके से आपने करना है ये वाला सम। ओके, नाउ नेक्स्ट, 700 + 5/100। 700 में आपने ऐड करना है 5/100 को, 700 को सेम रखिए। यहाँ पर पॉइंट कैसे लगेगा, 0.05 बन जाएगा। आप तो बहुत सारे सम्स कर लिए इस तरीके के, 5/100 है तो 0.05 हो जाएगा, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स। अब जब आप इनको ऐड करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 700.05। और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 700 है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो 0.00 लगा लीजिए आप, फिर 0.05, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा रही हूँ मैं, 0.55 हो जाएगा, 0.007, 700.05 ये आ जाएगा। इस तरीके से सिमिलरली सी और डी पार्ट आपने करने हैं, बिल्कुल सेम मेथड का यूज़ करके। 156 + 7/10 है आपके पास, तो 156 तो सेम रहेगा, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, 7/10 का 0.7 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 156.7। ओके, अगर इसको ऐड करके समझना चाहें तो इसमें पॉइंट नहीं है ना, 0.0 लगा लीजिए, फिर 0.7, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब 0 में 7 ऐड होगा तो 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 में 0 ऐड होगा तो 6, 5, 1, 156.7। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम सम, पहले इसको यूं का यूं राइट करेंगे, 28 + 6/100, 28 रहेगा सेम, प्लस 6/100 का आपके पास बन जाएगा ये 0.06। ओके, दो डिजिट छोड़नी थी ना, 6 और 0 छोड़ दीजिए, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 0.06, जब इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 28.06। अगर ऐसे नहीं समझ आ जाए तो इस तरीके से देखिए, 28.00 पॉइंट नहीं था ना, लगा लिया, अब 0.06 पॉइंट के नीचे पॉइंट, डिजिट के नीचे डिजिट्स। आप देखिए 0 में 6 ऐड करेंगे, 6 0 8 2, 28.06 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने ये 7th सम तक अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, और इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने बार बार। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।